हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नर्सिंग नोट्स आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अनुवाल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने का बहुत चांस है इसीलिए आप अगर इसमें से 50 परसेंट भी आप कवर कर लेते हो तो आप अनुला एग्ज़ाम में आंसर दे सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्क्राइब करोनारी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट जो कि फाइव फाइव मार्क का आएगा पहले हमें हार्ट का एक डायग्राम करना है उनका सही तरह से लेबलिंग करना है और उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है और सेकेंडली करोनारी सर्क्युलेशन हार्ट का जो करोनारी सर्कुलेशन होता है मीनिंग करोनारी आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट का वही हमें डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टीशू एंड एक्सप्लेन अबाउट एपिथेलियल टीशू यहाँ पे हमें पहले टीशू का डेफिनेशन लिखना है उसके बाद टीशू जो मेनली फोर टाइप के होते हैं उसे मेंशन करना है उसमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको हमें डिस्क्राइब करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे जो डिफरेंट सेंसेस होते हैं वो सेंसुरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं और हमारे डिफरेंट सेंसुरी ऑर्गन कौन कौन होते हैं आइज स्किन नोज टोंग ईयर ये सब हमें लिस्ट आउट करना है और उनके साथ रिलेटेड सेंसेस को भी लिस्ट आउट करना है ये क्वेश्चन थ्री मार्क का आता है उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ

और जो हमारे फीमल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे कि वजाइना यूटरेस यूटेराइन ट्यूब्स एंड टू ओवर इस सब के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन का मार्क है टेन मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईयर एंड लेबल द पार्ट्स एंड डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग हमें ईयर का एक डायग्राम करना है और परफेक्टली उसका लेबलिंग करना है जो कि फाइव मार्क का है और हमें फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग को डिस्क्राइब करना है और इसका मार्क है फाइव मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स एक्सप्लेन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डायग्राम करना है और परफेक्टली उसका लेबलिंग करना है उसके बाद हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द क्रेनियल नर्व्स एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल हमारी जो ट्वेल्व पेयर्स क्रैनियल नर्व होते हैं उनका नाम लिखना है और सारे क्रैनियल नर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है फॉर एग्जाम्पल ये कौन से नर्व होते 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 हैं, 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 हैं। या या मिक्स्ड ये हमें लिखना है और ये नर्व हमारे ब्रेन में कौन से काम करते हैं उसे हम लिखना है एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कर्ड स्पाइनल कर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है हमें उसे एक्सप्लेन करना होगा ये जो क्वेश्चन होते हैं दोनों के मार्क फाइव फाइव मार्क है और टेन मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा

यूरिनरी सिस्टम है किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये सब को लेकर जो यूरिनरी सिस्टम है उसका डायग्राम करना है और डिटेल से यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पोर्टल सर्कुलेशन राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इसमें हम लिखेंगे कि पोर्टल सर्कुलेशन हमारे होता क्या है हमारे जो स्टोमक इंटेस्टाइन पैनक्रियाज एंड स्प्लेन से ब्लड कलेक्ट होके पोर्टल ब्रेन के द्वारा लीवर को जाता है लीवर में जो भी कुछ मेकानिज्म हो के हमारे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेना का आवाज और वेना का आवाज के द्वारा हार्ट को जाता है उसी सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं इस पोर्टल सर्कुलेशन को हमें एक्सप्लेन करना है जो कि फाइव मार्क का आता है और उसके बाद हमें फंक्शन ऑफ ब्लड ब्लड के फंक्शन के बारे में लिखना है ये भी फाइव मार्क का आता है देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एज लिस्ट द सिस्टम्स और ऑर्गन्स कैरिंग आउट एक्सक्रीटोरी फंक्शन इन द बॉडी हमारे जो एक्सक्रीटोरी फंक्शन बॉडी का होता है उसमें क्या क्या ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनका हमें लिस्ट बनाना है वो ऑर्गन होते हैं किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इनके बारे में हमें डिटेल से लिखना है और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन हमारे जो स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है उसका डायग्राम करना है और उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड राइट अबाउट लंग वाल्यूम्स एंड कैपासिटी लंग्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है और हमारे जो लंग्स के लंग वॉल्यूम्स होते हैं और लंग कैपासिटी होते हैं जैसे कि टाइडल वॉल्यूम रेसिडियोल वॉलीम इंस्पीरेटोरी रिजर्व वॉलीम एक्सपीरेटोरी रिजर्व वॉलीम और कैपासीटीज क्या होते हैं वाइटल कैपासीिटी और इंस्पिरेशन कैपेसिटी ये सब को हमें फुली डिस्क्राइब करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड लेबल द पार्ट्स लिस्ट द फंक्शंस ऑफ सेल हमारी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके पार्ट को लेबलिंग करना है और उसके फंक्शन के बारे में लिस्ट आउट करना है Our next question is list the endocrine glands of the body describe structure and functions of the adrenal gland हमारे बॉडी में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका लिस्ट आउट करना है व लिस्ट बनाना है क्या क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स थायरॉयड ग्लैंड्स पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एड्रेनल ग्लैंड्स पैनक्रियाटिक आइसलेट पिनेल ग्लैंड थाइमस ग्लैंड टू ओवरेज एंड टू टेस्टिस ये सब हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है उसके बाद हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो कि किडनी के ओपर पोल में सिचुएटेड होते हैं उस एड्रेनॉल ग्लैंड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल Then our next question is list all the types of bones with example and describe the innominate bone. हमारे जो different types के bone होते हैं जैसे कि long bones, short bones, irregular bones, flat bones and sesamoid bones. इसके बारे में लिखना है और इसका एक एक example देना है जो कि five mark का आता है और इनोमिनेट बोन के बारे में डिस्क्राइब करना है इनोमिनेट बोन जो कि हमारा हिप बोन होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर एंड राइट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग यहाँ पर ईयर के डायग्राम करना है और ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एक्सप्लेन अबाउट मार्क का आता है और एक्सप्लेन द लीवर यहाँ पर हमें लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिस्क्राइब करना है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्पाइनल एंड लिस्ट द फंक्शंस ऑफ सेरेप्राल स्पाइनल फ्लूड यहाँ पर हमें स्पाइनल कॉल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है और सेरेप्रल स्पाइनल फ्लूड के जो फंक्शंस होते हैं उसे लिस्ट आउट करना है देन आवर नेक्स्ट और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटोरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरीशन यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स जो कि होते हैं नोज फैरिंगस लैरिंग्स ट्रैकिया टू ब्रोंकाई ब्रोंकीोल्स एंड टू लंग्स इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में लिखेंगे ये तो हो गए कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस अब हम एंड फिजियोलॉजी के कुछ सर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फाइव मार्क का आता है और फर्स्ट सर्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज द नेक्स्ट इज आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड्स आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड्स एक क्लस्टर सेल है जो कि पैनक्रियाज के अंदर ही रहता है और हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजेस ब्रेन और स्पाइनल कर्ड को जो कवर करते हैं जो लेयर उन्हें मैनेजेस कहते हैं और इस मैनेजेस के बारे में हमें लिखना है नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन स्किन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में लिखेंगे देन नेक्स्ट इज न्यूरन हमारे जो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है उसे न्यूरन कहते हैं और उसके बारे में हमें लिखना है नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ इंसुलिन देन एंडोक्राइन क्लांट्स के बारे में लिखना है नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकल के जो फेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज भ्रल कल थायराइड ग्लैंड सेरेब्रो स्पाइनल के बारे में लिखना है जिसे सी एस कहते हैं नेक्स्ट इज नेफ्रॉन हमारे किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं पर हमें उस नेफ्रॉन के बारे में ही लिखना है नेक्स्ट इज स्टोमक सार्ट क्वेश्चन का कुछ फायदे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी मेंशन किया जाता है वही आपको लिखना है लेकिन इस सार्ट क्वेश्चन में आपको जो मर्जी वो लिख सकते हैं जैसे कि स्टोमक के बारे में हमें कुछ लिखना है हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टोमक का डायग्राम कर देना है उसका स्ट्रक्चर लिख देना है और फंक्शन के बारे में लिख देना है ऐसे ही फाइव मार्क के क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं नेट सेट क्वेश्चन इज स्कल जो कि स्कल के बारे में हमें लिखना है नेक्स्ट इज टाइफ और लास्ट वन इज क्रैनियल नर्व्स हमारे जो ट्वेल्व पेयर्स क्रैनियल नर्व है उनके बारे में लिखना है इस क्वेश्चन के साथ हमारे ये पॉसिबल क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है आई होप के ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे